बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पैटर्न लॉक विंडो के लिए आज हम सीखेंगे कि हम अपने विंडो को कैसे पैटर्न लॉक दे सकते हैं। चाहे हमारे पास कोई भी विंडो हो, उसको हम पैटर्न लॉक लगा सकते हैं। तो पैटर्न लॉक को लगाने के लिए आप किस तरह से इसको लगाएंगे, यही सीखेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। ये देखें कि पैटर्न लॉक मैंने इसको लगाया हुआ है। यहाँ पे ये ठीक पैटर्न लॉक अगर मैं इसको देता हूँ, तो ये देखें कि ये इसने इसको एक्टिव कर लिया है दोबारा। और रॉन्ग के ऊपर ये इसको एक्टिव नहीं करेगा। यानी अगर देखें कि मैंने इसको ये रॉन्ग दे दिया है, ठीक है, तो एक्टिव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक दफ़ा और रॉन्ग करूँगा, तो ये सायरन की आवाज़ देना शुरू कर देगा और एक मिनट के लिए कंप्यूटर को बिल्कुल लॉक कर देगा और बहुत तेज़ सायरन बजाएगा। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पीसी को कोई और पैटर्न लॉक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और आपका कंप्यूटर वो किसी और के हाथ में मौजूद है। तो यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, कि ये आज हम सीखने वाले हैं कि ये पैटर्न लॉक हम लोग कैसे लगाएंगे। तो ये पैटर्न लॉक लगाने के लिए आप लोग सबसे पहले इस गूगल आप लोग खोल लीजिए, और इसमें ये आपने वेबसाइट आप देख रहे हैं eusing.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे eusing.com लिखना है, ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और इसके अंदर ये है आपके सामने eusing maze lock 4.1। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये बस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपको डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद ये फाइल आपके पास पहुँच जाएगी। तो जब ये सॉफ्टवेयर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो इसके ऊपर ये फाइल आपके सामने आ जाएगी। तो आप लोग जब इसको आप डबल क्लिक करेंगे और इसको अब आपने इसका सेटअप शुरू कर देना है आप लोगों ने। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती जाएं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये अब आपके सामने आ चुका है लॉन्च। ये आप लोगों ने यहाँ पे इसको आपने फिनिश कर देना है। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये आपको कहेगा कि आपने इसका पैटर्न लॉक लगाना है, तो ओके कीजिए। तो ये देखें कि ये पैटर्न लॉक मौजूद है। रीसेट के ऊपर क्लिक करके आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, और आप जो पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं अब आप वो यहाँ पे लगा लीजिए। जैसे मैंने ये देखें कि ये मैंने पैटर्न लॉक यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, इसको ओके किया है, ये कन्फर्म हो गया। अब देखिए, वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या आप अपने पैटर्न लॉक की एक पिक्चर बना के रखना चाहते हैं, ताकि अगर आपको भूल जाए तो वो पिक्चर आप वहाँ से ले सकें। तो आपने यहाँ पे देखें, आपने इधर अगर मैं यस कर दूँगा तो इसकी एक पिक्चर जो है उसने मुझे स्क्रीनशॉट ले लिया है। वो नाम पूछ रहा है, ठीक है, और ये देखें कि उसने अपना एक नाम इसको दे दिया है। मैंने यहीं पर इसको सेव कर दिया है पैटर्न लॉक के ऊपर, और हमने इसको ओके कर दिया है, ठीक है। अब आप परेशान हो रहे होंगे देख के कि भाई ये तो सीरियल नंबर आ गया है, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, बस स्किप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैटर्न लॉक को। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये आपका पैटर्न लॉक आ चुका है। अब जो हमने पैटर्न लॉक लगाया था, अब आप इसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं वही पैटर्न लॉक इसको दूँगा, तो आप देख लीजिए कि अब मेरी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये लीजिए,
ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर मैं यहाँ पे गलत पेंटर लॉक इस्तेमाल करता हूँ, ये देखें, ठीक है, इसको मैंने रॉन्ग किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये अब काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये देखें, वो देखें, सही है। और ये पूरा 1 मिनट के लिए अलार्म बजेगा, सिस्टम लॉक इन 25 सेकेंड्स, ठीक है। ये देखें, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम ये पैटर्न लॉक लगाते हैं। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।